हेलो फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार हिंदी सीखने में शब्दार्थ का एक विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार इंग्लिश सीखने में वर्ड मीनिंग या वोकैबुलरी का महत्व होता है। इसे सीखना और याद रखना बेहद ज़रूरी होता है। बच्चों, आज हम इसी तरह के वर्ड मीनिंग को सीखने की कोशिश करेंगे और उसे याद भी करेंगे। आज हम एनिमल्स या जंतु, बर्ड्स या पक्षी, इंसेक्ट या कीड़े और रेप्टाइल और वर्म में सरीसृप और क्रीमी के इंग्लिश नेम को सीखेंगे और याद करेंगे। अब मैं एक एक करके आप सभी नेम्स को स्क्रीन पर रखूंगी और आप उसे नोट कर लीजिएगा। ये एनिमल्स या जंतु के नेम्स हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब ये बर्ड्स और या पक्षी के हैं और इंसेक्ट या कीड़े के हैं, इन्हें भी आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ पर इंसेक्ट के आधा और रेप्टाइल और वर्म के नेम सब दिए गए हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सारे वर्ड मीनिंग नोट कर लिए होंगे। ये सब आप रिमेम्बर कर लेंगे, ये इंग्लिश बोलने में आपकी हेल्प करेंगे। ऑलवेज वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल, अर्थात कड़ी मेहनत करके आप अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।